करेला का तो बहुत माल मिलता है। लगता है कोई अमीर घर है। इसी घर में जाकर खैरात मांगते हैं। सामान भी बहुत ढूंढ लिया है। ये घर अमीर लगता है, इनसे खैरात मांग लेता हूँ। क्या चाहिए भाई? खैरात दे दो। नहीं है खैरात, मैं यार सो रहा था, इतनी गर्मी, आप खैरात मांग रहे हो यार, दफा हो जाओ यार यहाँ से। अल्लाह करे कोई इस घर में भी अल्लाह का नेक बंदा हो। ये बोतल उठा लेता हूँ। एक घर से तो भगा दिए, अल्लाह करे इस घर में कोई खराब दे दे। चाहिए भाई खराब दे दो। मेरे पास ही 20 रुपए हैं, ये लो। ये तो बहुत कम है भाई, मैंने कुछ खाना दिया है भाई। घर पर भी कोई नहीं है और मेरे पास ही 20 रुपए थी, अब जाओ भाई। रोटी तो दे दो। नहीं ना जाओ। आज हर जगह से बेइज्जती हो रही है, कुछ रह के नहीं दे रहा। वो सेल खड़े है, ये काटता हूँ। ये क्या कह रहे हो बच्चे? ये मैं सेल उतार रहा हूँ। किसने कहा है? ये तो बड़ी महंगी चीज है। मुझे किसी ने नहीं कहा। अच्छा, मतलब चोरी कर रहे हो? पकड़ो सब इसको। ओ बच्चे को मार रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई। ये चोरी कर रहा था। क्या चोरी कर रहा था भाई? सेल चोरी कर रहा था। ओ अल्लाह के बंदे, इसको तो बड़ा मारे हो। खड़े हो जाओ बच्चे, शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे। मेरी जान, क्यों चोरी कर रहे थे? साहब जी, मैं अपनी बोतलें ढूंढ रहा था, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने एक सेल देखा और मैंने कहा इसको तोड़ कर बेच के खाना खाऊंगा। ओहो बच्चे, खाने की क्या बात है, ये लो पैसे, जाके खाना खा भी लेना और घर घर वालों को दे दी। ठीक है जी, आपके खाने के लिए बहुत आता है, जाओ शाबाश। भाई वो चोर था, आपने उसे क्यों भेज दिया? यार बच्चे मेरी बात सुनो, अगर कोई गरीब भूख की वजह से चोरी कर रहा हो तो उसको मारा ना करो, बल्कि उसकी मदद कर दिया करो। ठीक है, इनका ख्याल रखना है आप लोगों ने, सही है ना? ठीक है, जाओ शाबाश। मैं उसको मिला तो दोबारा समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटे। हमारी छोटी सी कहानी का सबक ये है कि अगर कोई गरीब पेट की वजह से चोरी कर रहा है तो मेरी नजर में वो चोर नहीं है, बल्कि हमारी और जिस मुल्क में वो रहकर चोरी कर रहा था उस हुकूमत की कमजोरी होती है। अगर हम और हुकूमत मिलकर उस गरीब की मदद करते तो वो पेट भरने के लिए चोरी ना करता। हमारा ही कसूर है, उसका कसूर नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके आस पास कोई गरीब रहता है तो उसका ख्याल करें ताकि वो इसी तरह चोर ना बन सके। शुक्रिया।